तो आज की वीडियो में करने वाले हैं आयरन का सूटअप। तो आयरन का सूटअप मैंने बहुत ही जल्दी में करा था यार, तो इफेक्ट उतना अच्छा बन नहीं पाया था, बट फिर भी मैंने तो टीजर अपलोड कर दिया था, तो मैं सोचा ट्विटर पर अपलोड कर ही देता हूँ। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि वो जो मैंने इफेक्ट डाला था उसको आप कैसे बना सकते हैं। तो आप पहले एक बार उसकी क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस इफेक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ क्या बस एक चीज़ चाहिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उस ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड कर लीजिएगा जो मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से उसको डाउनलोड करने के बाद अपने काइनमास्टर में आ जाइए और फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो फिर मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर जाकर मैं अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज अ मीडिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वीडियो ट्रिम कर रहा हूँ, ऐसे आप अपनी वीडियो को भी ट्रिम कर लीजिए। और अपनी वीडियो को ट्रिम करने के बाद आपको जाना है लेयर में, मीडिया में, और मैंने आपको जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंपोर्ट करिए और उसके क्रोमा के ऑप्शन में जाइए और क्रोमा में जाकर उसको इनेबल कर दीजिए, उसकी ग्रीन स्क्रीन आप रिमूव कर लीजिए। जिस तरीके से मैं ग्रीन स्क्रीन सेटिंग कर रहा हूँ, आप भी ग्रीन स्क्रीन सेटिंग करके पूरा का पूरा ग्रीन अच्छे से रिमूव कर लीजिए। तो ये करने के बाद अपनी वीडियो को रिसाइज करिए और अपने ऊपर फिट कर लीजिए, जैसा भी आप साइज है उस हिसाब से अपनी वीडियो को आप फिट कर लीजिए, जैसे कर रहा हूँ मैं, मेरे को देख के आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपको एनिमेशन में जाना हो, थोड़ा बहुत एनिमेशन सेट कर लेना अगर थोड़ा बहुत ऑफसेट हो रहा है वो, और उसके बाद आपको जो आपकी एक्टर है स्टार्टिंग में उसको भी एनिमेट करना है अपने हिसाब से, जैसे आप मूव कर रहे हैं उस हिसाब से। तो ये करने वाला आप देख सकते हैं कि वीडियो हमारी मतलब ट्रैक हुआ, अगर में इतनी अच्छी ट्रैकिंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैक नहीं हो पाता, बट फिर भी काफ़ी हद तक ट्रैक हो चुका है। इसके बाद हमारी वीडियो काफ़ी हद तक बन चुकी है, बट आप देख सकते हैं कि हमारे बालों के ऊपर थोड़ी सी मतलब हमारे मास्क के ऊपर पीछे थोड़े से हम दिख रहे थे फिर भी। तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको अपनी वीडियो वापस इंपोर्ट करनी है और ऐसे फ्रेम पर जाना है जहाँ आप नहीं दिख रहे हो स्क्रीन पर, जैसे मैं कर रहा हूँ, उसको आपको कैप्चर एंड ऐड एज अ लेयर कर देना है। यहाँ पर मैंने ऐड एज अ क्लिप कर दिया था गलती से, आपको ऐड एज अ लेयर कर देना है। उसके बाद आप अपनी वीडियो को डिलीट कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे ऐसा क्लिप कर दिया था तो उसको डुप्लीकेट ऐसे लेयर कर देता हूँ और अपनी क्लिप में हटा देता हूँ। तो इस लेयर को आप जाके वहाँ पर रख दीजिए जहाँ पर आपका भी मास्क जहाँ पर भी बंद हो रहा है उस जगह पर आप अपनी इस क्लिप को रख दीजिए। तो इसी करने बाद अपनी क्लिप को आप रिसाइज कर लीजिए और इसके क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाइए, क्रॉपिंग में जाकर क्रॉपिंग को मास्क को इनेबल कर दीजिए और इसको आप क्रॉप कर लीजिए उतना जितने में आप ना दिखें स्क्रीन पर, बट आपका जो बैकग्राउंड है वो दिख रहा हो। वो करने के बाद गाइज आपको इसमें जो है इसका इन एनिमेशन जाके सेट कर देना है। जैसे अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं कि हम अपने मास्क के पीछे से गायब हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस पे जाना है इस वीडियो लेयर पे और वहाँ जाके आपको अपनी जो इन एनिमेशन है उसको वाइप डाउन सेलेक्ट कर देना है। वाइप डाउन एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको उसकी जो लेंथ है उसको सबसे मिनिमम पे कर देना और टिक कर देना। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट बन के जो है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। जैसे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। सो गाइज इतना ही था, काफ़ी सिंपल और शॉर्ट सा इफेक्ट था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रेडी करते हैं। टाटा बाय।